महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली राज्य जिनसे टक्कर लेना बड़े बड़े राज्यों के भी बस की बात नहीं थी। भारतवर्ष के हर छोटे बड़े राज्य इन 5 शक्तिशाली राज्यों से भय खाते थे। महाभारत के इन 5 विशाल राज्यों में मगध, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका और प्राग ज्योतिषपुर का नाम प्रमुख है। महाभारत के इन 5 राज्यों की सीमाएं विस्तृत थीं। इनकी सेनाओं का कोई तोड़ ना था और इन राज्यों के रक्षकों से चुनौती लेना लगभग असंभव के समान था। एक तरफ जहां मगध के राजा जरासंध मरकर भी जिंदा हो जाता था, तो वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर के रक्षक भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक तरफ प्राग ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त देवताओं तक को हरा चुका था, तो वहीं द्वारका के रक्षक बलराम और इंद्रप्रस्थ के रक्षक अर्जुन स्वयं देवों के अवतार थे। इस प्रकार इन राजाओं और रक्षकों के होते हुए इन राज्यों को हराना अत्यंत दुष्कर कार्य था। लेकिन इन सभी 5 राज्यों में आखिर कौन सा राज्य था सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्यों में सबसे पहला नाम मगध का आता है। मगध आज के बिहार में स्थित है। महाभारत काल में मगध का नाम सुनते ही बड़े बड़े राज्यों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। महाभारत काल के ज्यादातर राज्य मगध के अधीन थे और इसका एकमात्र कारण था जरासंध। मगध का राजा जरासंध अत्यंत बलवान, मायावी और राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था, जिसने अपने भारत विजय अभियान के तहत भारत के 101 राजाओं को हराकर कारागार में कैद कर लिया था। वास्तव में जरासंध एक श्रेष्ठ मल्ल योद्धा होने के साथ साथ एक मायावी भी था। उसके 2 टुकड़े होने के बावजूद वो जिंदा हो जाता था। जरासंध उन 101 राजाओं की बलि देकर अमर होना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध का वध करवा दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय में जरासंध धर्म स्थापना के मार्ग में संकट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए उन्होंने महाभारत युद्ध से पहले ही उसका अंत करवा दिया। जरासंध कंस का ससुर था और कृष्ण से बदले के लिए आतुर था। श्री कृष्ण जरासंध की शक्ति से परिचित थे और उसकी मगध सेना से बचने के लिए ही श्री कृष्ण मथुरा छोड़ द्वारका में बसे थे। प्राग ज्योतिषपुर महाभारत काल का एक अन्य शक्तिशाली राज्य था, जो आज के असम में स्थित है। प्राग ज्योतिषपुर राज्य का राजा भगदत्त स्वयं एक राक्षस था। भगदत्त राक्षस नरकासुर का पुत्र था, जिसका वध स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। लेकिन भगदत्त किसी भी प्रकार से अपने पिता से कम नहीं था। शक्ति अस्त्र समेत अनेकों भयानक अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगदत्त के पास इंद्र के ऐरावत वंश का सौप्तिक नामक हाथी था,
और उसके पास महाभारत काल की सबसे विशाल हाथियों की सेना थी, जिनके माध्यम से उसने भीमसेन और सात्यकी जैसे वीर पांडव योद्धाओं तक को हरा दिया था। एक बार भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग कर दिया था और अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण को उस अस्त्र का प्रहार झेलना पड़ा था, जिसके बाद अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगदत्त की आंखों की पट्टी फोड़ दी। इसके बाद भगदत्त अंधा हो गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार प्राग ज्योतिषपुर राज्य महाभारत काल का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन भगदत्त की अधर्मी नीतियों ने उसका पतन कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम के संरक्षण में उभरी द्वारका नगरी भी महाभारत काल की एक श्रेष्ठ और शक्तिशाली नगरी थी। द्वारका को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में उसकी नारायणी सेना का बड़ा अहम योगदान था। मगध के समक्ष एक शक्तिशाली सेना ना होने के कारण श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा था। इसलिए द्वारका आते ही सबसे पहले श्री कृष्ण ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, जो महाभारत काल की सबसे प्रचंड सेना थी। नारायणी सेना के 7 अलग अलग हिस्से थे और इनमें से मात्र एक हिस्से ने ही महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना की बड़ी निर्णायक भूमिका रही, जिसके बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए ऊपर आई बटन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। द्वारका के राजा स्वयं श्री कृष्ण थे और नारायणी सेना के सेनापति स्वयं बलराम थे, इसलिए महाभारत काल के सभी राज्य द्वारका से भय खाते थे। द्वारका से टक्कर लेने का अर्थ स्वयं बलराम को चुनौती देने के समान था। बलराम और श्री कृष्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। महाभारत के सभी राज्य उनकी शक्तियों से परिचित थे, इसलिए उस काल के सभी राज्यों ने द्वारका से हमेशा दूरी रखी। कुरु राज्य हस्तिनापुर को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है, जिसके पास ना तो कोई प्रचंड सेना थी और ना ही कोई देव या असुर रूपी रक्षक था। हस्तिनापुर के एकमात्र संरक्षक थे गंगा पुत्र भीष्म, जिन्होंने अपने पिता के प्रेम में आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिंहासन की दासता स्वीकार कर ली थी। एक लंबे समय तक उत्तराधिकारियों की कमी से जूझता हस्तिनापुर राज्य भीष्म के संरक्षण में सुरक्षित रहा, क्योंकि हस्तिनापुर को छूना भीष्म के तलवार को ललकारने के समान था। और उस समय समस्त भारतवर्ष परशुराम शिष्य भीष्म की शक्तियों से परिचित था। महाभारत की लड़ाई हस्तिनापुर के सिंहासन की ही लड़ाई थी। बाद में हस्तिनापुर के 2 भाग कर इंद्रप्रस्थ बसाया गया, जो भीम और अर्जुन के संरक्षण में एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। आगे चलकर पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तथा अर्जुन और भीम के शौर्य ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, जिसके बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बने और सभी राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार ली। तो आप किस राज्य को महाभारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।